सीएम जयराम ठाकुर ने विकास कार्यों पर अधिकारियों को लगाई फटकार। सीएम ने कहा निर्माण कार्यों में ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त, अधिकारी विकास कार्यों पर रखें ध्यान। सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक प्राथमिकताओं के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के कार्यों का लेखा जोखा लिया। करीब 50,000 करोड़ कर्ज के बोझ में डूबी प्रदेश सरकार, एक बार फिर 500 करोड़ का लोन लेने जा रही है सरकार। सरकार को 14 फरवरी 2028 तक ये कर्ज ब्याज सहित देना होगा, हिमाचल सरकार ने अधिसूचना की जारी। शिमला में जनवादी नौजवान सभा का रेल रोको प्रदर्शन, कहा मोदी सरकार छीन रही रेलवे में रोजगार, हजारों कार्यकर्ताओं ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पांडा साहिब बस स्टैंड की खराब हालत के चलते यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। परिवहन मंत्री के दौरे के बाद भी नहीं हुआ था कोई निर्माण कार्य। जीएस बाली पहले ही कर चुके हैं यहां का दौरा, लेकिन उनके वादे के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं करवाया था। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई और एसएफआई ने संयुक्त तौर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदेश सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर महिला सुरक्षा की उठाई मांग। हमीरपुर में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व सैनिक का धरना प्रदर्शन, गांधी चौक पर दिया धरना प्रदर्शन। चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने की पीएम से की मांग। मनाली में दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनने की हुई शुरुआत। करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर 20 फुट का शिवलिंग बन चुका है, मात्र 3 महीने होते हैं दर्शन। देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा शिवरात्रि का पर्व, हिमाचल के कई मंदिरों में भक्तों की लगी लाइन, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हिमाचल प्रदेश के नाहन का गुलाब खास है, ये गुलाब 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के खास मौके पर उत्तरी भारत के कई राज्यों में अपनी महक बिखेरते हैं।